चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस और पीसीएस को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट लगा रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इस बात को तो आप लोग भी जानते होंगे कि देखिए, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो आपको अधिक से अधिक टेस्ट देना पड़ेगा, अगर मेंस निकालना है तो आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। एक तरह से कहिए कि दोनों निष्कर्ष हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी भी आप लोग किताबें पढ़ लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं देते तो मुझे नहीं लगता है कि हम बेहतर स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग 18 टेस्ट अभी तक कवर कर चुके हैं। चलिए 19वां टेस्ट देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए, अगर मुझसे, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप उसे सही करके थोड़ा विस्तार से नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी सलाह हुआ करे सब आप नीचे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति विशेषताएं छद्म ज्वालामुखी हैं? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति विशेषताएं छद्म ज्वालामुखी है? तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जो गैर ज्वालामुखी प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, स्थलाकृतियां ज्वालामुखी का रूप प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, छदम ज्वालामुखी की आकृति कहा जाता है। ठीक है, असली में ये ज्वालामुखी की आकृति नहीं होती है, लेकिन छदम ज्वालामुखी कह देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे लिपोलित सेल, ज्वालामुखी कुंड, साल्ट पिलर, कीचड़ ज्वालामुखी। तो इसमें आपका 4 और 5 होगा, क्या होगा, 4 5 सही होगा। पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 4 और 5, 1 2 3 इसमें नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, या तो आप पहले पढ़ सकते हैं, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको 1 से 2 बार पढ़ना है आपको, जैसा भी आपको अच्छा लगे, सहूलियत हो उस तरह से आप कर सकते हैं। उल्का पिंड, इनमें आप देखेंगे गैर ज्वालामुखी जो प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड ज्वालामुखी, साल्ट प्लग, मड वोल्केनो, ये सभी आपके कैस के हैं छदम ज्वालामुखी की आकृतियां हैं। अब आपकी जो लोपोलिथ है या लिपोलिथ है, लेकोलिथ है, बाथोलिथ है, सेल्स है, ड्यूक्स है, ये सभी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, कैसी हैं, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं, ज्वालामुखी कुंड, ये सभी आपके ज्वालामुखी की हैं। छदम ज्वालामुखी की केवल साल्ट प्लग और कीचड़ ज्वालामुखी है, उल्कापिंड ज्वालामुखी भी इसी की छदम की है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, 4 और 5, इनसे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए आप लोग क्या करिए कि जो भी ज्वालामुखी हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए आपकी सभी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ज्वालामुखी के संदर्भ में, ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। सर्वाधिक ज्वालामुखी परिवेशांश महासागरीय मेखला में है, बिल्कुल सही है। स्टम्बोली और विसुवियस ज्वालामुखी मध्य अटलांटिक मेखला में स्थित हैं, ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। विश्व में आप देखेंगे ज्वालामुखी की 3 प्रमुख प्लेट हैं, या जिन्हें हम आप लोग जोन भी कहते हैं, एक परिवेशांत महासागरीय मेखला। यहाँ आप देखेंगे कि विश्व के लगभग 2/3 भारत भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, इसे आप लोग इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का ज्वालाबेल्ट भी कहते हैं। इसमें आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, फ्यूजियामा जापान, माउंट सेंट हेलेना, किलायू, माउंट ताल, ये सभी आपके प्रशांत महासागरीय मेखला में मिलते हैं। दूसरी आपकी बेल्ट यानी कि जोन है मध्य महाद्वीपीय मेखला, इसमें आप देखेंगे कि अल्पाइन पर्वत श्रृंखला और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी, और इसमें देखेंगे पूर्वी अफ्रीका के फाल्ट जोन के ज्वालामुखी शामिल होते हैं। अगर इसके उदाहरण आपको बताना पड़ जाए तो
तो आप बता सकते हैं कि स्टैम्बोली, विसुवियस, एटना, एजियन सागर ये सभी इसी क्षेत्र के हैं। ठीक है, अगर पूर्वी अफ्रीका के फाल्ट जोन की महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों की बात करें तो इसमें आप किलिमंजारो देखेंगे, मेरू, एलगोन, बिरंगा। अब बचती है तीसरी आपकी मध्य मध्य अटलांटिक मेखला। इसमें ज्वालामुखी को मध्य अटलांटिक कटक के साथ मुख्य रूप से शामिल किया गया है जो प्लेटों के विभाजन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस प्रकार की ज्वालामुखी मुख्य रूप से दरार या भिन्सन का निर्माण करते हैं। इस भिन्सन का प्रभाव क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। इसमें अगर हम लोग इनके सक्रिय ज्वालामुखियों की बात करें तो लेसर एंटिलिस, दक्षिणी एंटिल्स, अजोरेस, माउंट सेंट हेलेना, ये सभी आपकी मध्य अटलांटिक मेखला में आने वाले, इसी क्षेत्र में आने वाले ज्वालामुखी हैं। यहाँ घटना घटती है ज्वालामुखी, ठीक है, इस क्षेत्र के। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन सही है, केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भूकंप के आघात की तीव्रता के मापक को रिएक्टर स्केल कहते हैं। गलत है, रिएक्टर स्केल को 1 से 12 तक की रेंज के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। ये भी आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, आपने देखा है। आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि भूकंप की जो तीव्रता का मापन होता है ये रिएक्टर स्केल स्केल पर किया जाता है। ठीक है, और भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है। ठीक है, इसके मापन के अनुसार इसमें आप देखेंगे भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच होती है, पॉइंट होते हैं। यह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बेनो गुटेनबर्ग के साथ साझेदारी में चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में विकसित किया गया था। ठीक है, याद रखिए, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तीव्रता मापक है संशोधित मार्केली, MM, या तीव्रता मापक और मेडविट्स स्पॉन हील कार्निक तीव्रता मापक हैं, सबसे ज़्यादा इनका उपयोग होता है। ठीक है, अगर मार्कोली मार्केली की बात करें हम लोग तो तीव्रता मापने की सीमा इसमें 1 से 12 है, कितनी, 1 से 12, और अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो 1 0 से 10 के बीच है इसकी। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, डी, ना तो एक सही था आपका और ना ही दूसरा सही था, ना ही दूसरा आपका सही था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए मध्य तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। गलत है आपका, कैसा है, गलत है। प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही। इस पॉइंट को इसलिए ध्यान से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपने देखा 2 और 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, ए ऑप्शन। 1 सही क्यों नहीं है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि पी तरंगे यानी कि जो प्राइमरी तरंगे हैं वेव्स, ये लंबवत और संपीडित तरंगे होती हैं और ध्वनि तरंगों की सदृश होती हैं, जिसमें किरणों के संचरण की रेखा में कण आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलते हैं। ठोस पदार्थों में इनकी गति तेज होती है और ये तरल पदार्थों से भी गुजर सकती है, लेकिन इनकी गति धीमी हो जाती है। तरल पदार्थों में क्या हो जाती है, इनकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन ये गुजर सकते हैं उनसे, ऐसा नहीं कि उसमें ना गुजरे, उसमें भी गुजर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इनके बारे में, पी तरंगे तेजी से चलने वाली तरंगे हैं सबसे तेज। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन, क्योंकि सही नहीं पूछा था। क्वेश्चन है हमारा, भौतिक भूगोल के संदर्भ में
भू संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है? याद रखिए, आपका बड़े विस्तार से एनसीईआरटी कवर कर चुका हूँ, उसे पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चंस, देखिए हर क्वेश्चन तो आप सब लोग सॉल्व नहीं करने की स्थिति में पहुँचते हैं। आप भी देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं कि 95 भी सॉल्व कर दे, इतना कोई भी नहीं कर सकता है मुझे लगता है। फिर आप कोई भगवान, देखिए किसी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम रहता है हम लोगों को, तो इसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। क्या है भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन के सिद्धांत को सिद्धांत किसे निरूपित करता है? किसी रेखा चित्र या फिर मानचित्र पर समान प्रवणता या झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा रेखा को नहीं, भूपरपट्टी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था को। ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या लगा हुआ आप लोग, बी ऑप्शन, ठीक है। संतुलन की दिशा पृथ्वी के स्थल मंडल के सभी बड़े हिस्सों के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है, जैसे कि वे घनीभूत पर्दों पर तैर रहे थे। सबसे निचली सतह ऊपरी आवरण का एक हिस्सा जो कमजोर नरम चट्टानों से बना है, सतह से लगभग 110 किलोमीटर नीचे होता है, ठीक है। तो याद रखिए इसके बाद, और जो भू संतुलन की अवधारणा ने प्लेट विवर्तनी के किस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई हुई है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फ्लेइंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फ्लेइंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? गुरुत्वाकर्षण, ज्वारभाटा, पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगा इसमें, पृथ्वी का घूर्णन, आप सी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। एक जो अल्फ्रेड वेगनर थे, एक जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे, एक तरह से कहाँ के, जर्मन के, और इन्होंने 1912 में महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। वेगनर के अनुसार अगर हम बात करें तो सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का निर्माण करते थे, सबसे पहले जो बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को आप लोग पेंजिया के नाम से जानते थे, किसके नाम से, पेंजिया के नाम से। इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि पूरी पृथ्वी थी, और जो विशाल महासागर हुआ था इसे पेंथालासा के नाम से जानते थे। तो महाद्वीप को पेंजिया और विशाल महासागर को आप लोग पेंथालासा, जिसका अर्थ होता है कि जल ही जल, ठीक है। इनका तर्क था कि लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन, यानी कि अलग अलग हुआ, और पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेसिया और गोडवाना लैंड में विभाजित हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रमशः उत्तरी और दक्षिण भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि लारेसिया और गोडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, और आज के जो आप महाद्वीप देखते हैं, एशिया, फिर चाहे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आप ये सभी देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी इसी के हिस्से हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तो इसमें आपका सी है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एटलस, कैमरून, डेकिन्सबर्ग। ये बिल्कुल आपके मिले हुए हैं, 1, 2, 3 सही है इसमें, सही आपको कूट चुनना था, तो 1, 2, 3 सही है। इसमें एक ही बात बोलूँगा कि जब हम लोगों ने वर्ल्ड मैप्स कवर किया हुआ है पूरा आपका ज्योग्राफी का, अगर आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़ लें। मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, पूछला पढ़ाया गया आपका कि कहाँ कौन नदी बहती है, कौन पर्वत कहाँ है, कौन ज्वालामुखी कहाँ है। आप देखेंगे कि कौन, एक तरह से आप पूरे विश्व के बारे में आप लोग जानेंगे एक सामान्य जानकारी। और मैं तो मानता हूँ कि अगर ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है तो मैप्स का पूरा सहारा लीजिए, क्योंकि अगर मैप्स का आप सहारा लेते हैं तो 70% तक मुझे लगता है क्वेश्चन
सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि अगर जब भी आप लोग किसी जगह को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप भूल पाते हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में पढ़ लें तो मुझे लगता है भूल जाते हैं। तो आप लोग मैप्स का सहारा लीजिए और तभी आप लोग पढ़िए, बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर हम व्यवस्थित अफीकी पर्वतों की सूची बात करें तो एटलस पर्वत अफीका के उत्तर पश्चिमी तट पर माग्रेव में एक पर्वत है। ठीक है, यह आप देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया से होते हुए लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आपका माउंट कैमरून की बात करें तो अफ्रीका के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, जो पश्चिम कैमरून के तट से 4040 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डेकिन्सबर्ग की बात करें तो डेकिन्सबर्ग नाम ग्रेट एस्कर्पमेंट के पूर्वी भाग को दिया गया है, जो केंद्रीय दक्षिणी अफ्रीका पठार की आच्छादित करता है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और वर्तमान में इसका नाम डेकिन्स माउंटेन या फिर डेकन माउंटेन के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। भूमध्य सागर से कौन से देश जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं हमेशा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो उसके लिए आप लोग पढ़ लें बड़े अच्छे से, पूरा मैप्स का सहारा लिया गया है, सब कुछ बताया गया है, जाकर देख लें। पूरी एक किताब आपकी आती है वर्ल्ड मैप्स की, यानी कि विश्व के भूगोल के लिए, उसे कवर करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको गलत बताने हैं इनमें से, सही नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। इरी ओंटारियो झील, इनके मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है, ये बिल्कुल सही है। मिसिसिपी या उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कोलोराडो नदी, इस नदी पर करीबा बांध अवस्थित है, ये आपका गलत है। क्या है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और इसमें क्या पूछा था, सम्मिलित नहीं है, तो आप डी लगाएंगे क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। इनके बारे में भी सब कुछ उसमें बताया गया है मैप्स में पार्ट में, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे करीबा बांध की अगर हम बात करें या जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर करीबा गौज में जम्बेजी नदी के पार यह बांध है। बांध का निर्माण 6 नवंबर 1956 को शुरू हुआ है और 1959 को ये पूरा हुआ था। ठीक है, किसके करीबा बांध के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, ठीक है, किस नदी पर, जम्बेजी नदी पर, ना कि कोलोराडो नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित जल संधियों को उनके द्वारा मिलाए जाने वाले जल स्रोतों के साथ सम्मिलित कीजिए। जल संधियों के बारे में भी हमने कवर किया हुआ है पूरा, तो आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ते रहिए। सूची एक और सूची दो, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही है, सम्मिलित करना है, एक तरह से आप समझ रहे हैं कि जोड़ी बनानी है हमें, समझ रहे हैं, जोड़ी का मतलब आप समझते हैं, जो बचपन में आप लोग आती थी पेपर में, तो ए एक से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, हॉर्मुज की जल संधि, बी किस से कनेक्ट कर रहा है, ये आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है, तो ए किस से कनेक्ट करेगा, बी तीन से आपका। जिब्राल्टर जल संधि यानी कि सी किस से कनेक्ट करेगा आपका, ये आपका भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर से कनेक्ट करेगा, यानी कि इसमें आपका दूसरा है। डोबर जल संधि, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से है। सही जोड़ियां अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं तो इसे सॉल्व करने की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको दो आ रहे हैं तो तीसरा और चौथा आराम से लगभग मालूम चल जाता है, समझ रहे हैं, तो इसमें एक 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 से, बी तीन से, सी दो से, चार किस से, चार से,
तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सी एक एक ए एक से, बी 3 से, सी 2 से और 4 4 से, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसे पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, उसके बाद अच्छे से पढ़ते रहें बैठ के मिला मिला के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अटलांटिक महासागर की उत्तर पश्चिमी मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक आप देखते थे कि एक समय एसएससी बैंक रेलवे का एक फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, पीसीएस में भी कई बार बन चुका था, कि पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच है। तो अधिकतर लोग क्या लगाते थे, भारत पाकिस्तान। मैंने कई देखे हैं ऐसी कॉपियों को भी, उन्होंने भारत पाक लगाए हुए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसके बीच है, श्रीलंका और भारत के। तो इस तरह के आप लोग बड़े क्वेश्चन अच्छे से याद रख लिया करिए। क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है आपका अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडोर जलधाराएं इस क्षेत्र में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। हेलीफैक्स, सेंट जॉन्स, बॉस्टन, न्यूयॉर्क इस क्षेत्र के प्रसिद्ध मत्स्यन बंदरगाह हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। नीचे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे एक भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि आपके दोनों क्षेत्र सही हैं। अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप सेल्फ और कनाडा की न्यू फांडलू द्वीप के दक्षिण पूर्व स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र के रूप में उल्लिखित है, महत्वपूर्ण भी है। मुख्य किनारे 560 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 675 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें आपके कई अलग अलग किनारे भी शामिल हैं, जिनमें आप देखेंगे प्रमुख ग्रैंड, ग्रीन, सेंट इसी में आते हैं। और लिब्राडोर की ठंडी जलधारा और अपेक्षाकृत गर्म गल्फ स्ट्रीम मुख्य किनारों के आसपास क्षेत्र में मिलती है, तो इसे आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। सी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन बचाना है। यह तब होता है जब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है। गलत है, केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाली वाले देशों पर यह वर्ष में 2 बार होता है, ये भी गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ना तो ये आपका सही है और ना ही दूसरा आपका सही है। आखिर सही क्या होगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सूर्य, जिसे आप सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच संचरण करता है। यह वर्ष में 2 बार यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ऊर्ध्वाधर रूप से भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, ना तो रात छोटी होती है और ना ही दिन, दोनों बराबर होते हैं। अगर 12 घंटे की रात हो रही तो 12 घंटे का दिन हो रहा है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा से परे कभी भी सीध में नहीं होता है, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के लिए वर्ष में 2 बार सीध में होता है, जिसमें दिन जिस दिन सूर्य कर्क रेखा के सीध में होता है वह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और यह किस दिन पड़ता है, 21 जून को, ठीक है। और जिस दिन आप देखेंगे सूर्य मकर रेखा के सीध में होता है वह वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ये कब पड़ता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके स्थान के साथ सम्मिलित करना है हमें। ये मरुस्थल का नाम हो गया, ये देश हो गया आपके, यानी कि ना एक तरह से आप कहिए कि जो सही जोड़ी बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसी तरह का ये भी है आपका। रब अली अल खली, रब अल खली, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ चुका हूँ, मैंने बता दिया है आप लोगों को, तो आप जाकर उसे पढ़ लें, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लें, बड़े अच्छे से बैठकर पढ़ सकते हैं आप लोग।
रब अल खली, ये सऊदी अरब की बात है। कहाँ की? सऊदी अरब। यानी कि आपका ए चार से मैच कर रहा है, ठीक है। दस्त ए लुत, दस्त ए लुत, ये आपका ईरान से संबंधित है। सोनोरन, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है आपका। तो आप देखेंगे कि क्या लगाओगे आप लोग, ए चार से मैच कर रहा है, बी एक से मैच कर रहा है, सी दो से और डी तीन से। तो इसमें सही क्या लगाएंगे आप लोग? देखिए, ए आपका किससे मैच कर रहा था? चार से, बी एक से, सी दो से और डी तीन से। तो इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलसंधि द्वारा अटलांटिक सागर महासागर से जुड़ा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो यह जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है। इसमें आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। ये छोटी प्लेट हो गई आपकी, ये अवस्थिति हो गई। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित है? यानी कि आपको सही सम्मिलित बताना है। ये छोटी कोकोस प्लेट, मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, बिल्कुल सही है। नजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, ये भी आपका सही है। अरेबियन प्लेट, मुख्यतः सऊदी अरब का भूभाग है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिलीपीन प्लेट, ये भी आपका सही है। एशियाई और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है आपका ये। यानी कि आपके चारों ऑप्शन सही सम्मिलित हैं। चारों कैसे हैं? सही सम्मिलित हैं आपके, ठीक है। आपके अगर जो देखेंगे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार, सात आपकी मुख्य प्लेटें हैं और कुछ आपकी छोटी प्लेटें हैं। नवील वलित पर्वत श्रेणियों, खाइयों और भरेंस इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। अगर प्रमुख प्लेटों की बात करें तो आप देखेंगे अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। और छोटी प्लेटों की बात करें तो कोकेसस प्लेट, कोकोस प्लेट, डचका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ठीक है। ये छोटी प्लेट हैं, इनके सबके विस्तार में पढ़ाया गया है। आप लोग जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, चारों आपके सही थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? सागरीय अपरदन और जलीय निक्षेप, दीर्घकालिक स्थलीय निक्षेप, महाद्वीपीय सीमांत का अवतलन, भूमि के झुकाव के कारण महाद्वीपीय सीमांत का निगमन होना। ये चारों आपके सही है। क्या है? चारों सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। तो आप देखेंगे चारों सही हैं बिल्कुल आपके, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे आप लोग? यानी कि डी ऑप्शन इसमें भी लगाओगे आप लोग। एक दो तीन चार सही है। अगला क्वेश्चन है, सागर नीतल प्रसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सागर नीतल प्रसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक विवर्तनी की गतिविधि है जो मैग्मा के संवहनीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप घटित होती है। यह आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। यह केवल अभिसारी प्लेट सीमा पर ही घटित होती है। यह आपका बिल्कुल गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो केवल आपका एक सही है। क्या है? केवल एक कथन सही है आपका। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि देखेंगे सागर नीतल प्रसरण अपसारी प्लेट की सीमा पर होता है।
अपसारी, ना कि अभिसारी, ठीक है, अपसारी प्लेट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट कैमरून, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो, एजोरस। इसमें आप देखेंगे माउंट कैमरून भी है आपका और एजोरस है, लेकिन आपका दूसरा नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो एक और तीन लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे? और एक और तीन। सक्रिय ज्वालामुखियों की बात करें तो जिसमें आप देखेंगे कि अक्सर विस्फोट होता रहता है, उदाहरण के लिए आप माउंट कैमरून को ले सकते हैं, एजोरस को ले सकते हैं। अगर सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो जो विस्फोट के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपका वर्धी द्वीप हो गया। मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं जो अतीत में कभी नहीं उभरे लेकिन ज्वालामुखी की विशेषता को धारण करते हैं, जैसे आपका माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट केन्या हो गया, ये सभी आपके मृत ज्वालामुखी हैं, यानी कि मरे हुए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, केवल एक और तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह है घोड़े की नाल के आकार का एक वलय है जो अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। बिल्कुल सही है। यह अटलांटिक महासागर के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है। यह अटलांटिक महासागर से साथ के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है। यह आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि अग्नि वलय प्रशांत महासागर के किनारे उच्च ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है आपका, ठीक है, याद रखना इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पी तरंगे, तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। यह आपका बिल्कुल सही है। एस तरंगें जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है? सही कथन पूछ रहा था आपसे, तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन आपके सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं आपके, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? इसलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा मैप्स को देखकर ही पढ़िए, राज्यों को भी आप लोग क्रम से याद रख लीजिए कि कौन कितने राज्यों को सीमा लगती है, क्योंकि जब भी देखता हूँ कि क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आपने मैप देखा होगा तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से लगती है, म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। एक बात और आपको बताऊं कि अगर अफगानिस्तान को ये मत सोचिए कि पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तो हम सीमा को नहीं मानेंगे। हम मानते हैं कि हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से, और पीओके वाले हिस्से को हम अपना मानते हैं, ठीक है, तो याद रखिए। इसमें आपका तीनों होंगे, क्या होंगे? तीनों होंगे, क्योंकि आप देखते हैं भारत की सीमा इन सबसे लगती है। उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया, चीन भूटान और नेपाल उत्तर में है, सुदूर पूर्व में आप देखेंगे म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश, श्रीलंका को देखेंगे आप लोग की पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विचार करना है आपको, सही कथन चुनना है। पश्चिमी घाटों की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गलत है। क्या है? गलत है। पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों से बना है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यह आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण के मुख्य भूमि में चार क्षेत्र शामिल हैं आपके, विशाल पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप।
दक्षिण की पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट आपका देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, ठीक है, याद रखिए। और पूर्वी घाट का विस्तार देखेंगे तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, केवल दूसरा सही था। क्या था? दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको विचार करना है। रामगंगा, कोसी, सोन, गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये बिल्कुल सही है आपका। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि आपके दोनों कथन क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो एक और दो दोनों सही है आपके। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र मुख्यतः हिमालय नदी तंत्र कहलाता है आपका। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चंबल और बैतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं गंगा की, जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं, इसलिए हम लोग उप सहायक नदी कह देते हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इसमें शामिल होती है और पद्मा या फिर गंगा के रूप में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो एक कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से चेमा युंग डोंग हिमनद से निकलती है, ठीक है, और इसे आप लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस तरह की नदियों से भी आपके क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते रहते हैं, तो इनसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में आप बड़े मतलब पढ़ेंगे तो बड़े मतलब मैप्स का सहारा लेकर बताया गया है, तो आपको बेहतर समझ में भी आता रहता है। तो आप लोग वैसे भी एनसीईआरटी कवर करवा दी गई है, फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए टेलीग्राम से डाउनलोड करके। भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे आमतौर पर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, भूमि से समुद्र की ओर गति करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे ग्रीष्म मानसून के रूप में जाना जाता है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद समुद्र से भूमि की ओर गति करता है। ये भी आपका सही है। उत्तर पूर्व मानसून से देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा होती है। ये आपका गलत है। क्या है? ये गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका एक और दो सही है, तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि देखेंगे आप लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा इसी के कारण होती है हमारे देश में, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सी, क्योंकि एक और दो सही है। एक दो कथन कैसा है? सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, सक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? सकयोग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? भारत का राजपथ, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, जनता को संबोधित सरकारी संचार। ये आपके चारों शामिल हैं। क्या है? चारों शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आपके चारों शामिल है। सक योग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। इसका पहला माह है, आप देखेंगे पहला महीना चैत होता है, इसमें 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख के साथ एक स्थायी पत्ताचार शामिल होता है। सामान्य रूप से चैत माह की पहली पहली तारीख यानी कि 22 मार्च को और 21 मार्च को लीप वर्ष होता है यहाँ, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। यह संस्कृति मंत्रालय के
प्रशासनिक नियंत्रण का के अधीन कार्यरत है। बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय उदयपुर में देखने को मिलेगा। ये आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। इसके मुख्यालय की दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसका एक क्षेत्रीय केंद्र भी है, इसे देखेंगे उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं तीन, ठीक है। इसका मेन मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो मई 1979 में श्री कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी, मई 1979 में, ठीक है। तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन सही था। तो ये था आपका क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। और इस तरह से आपका 19वां टेस्ट निपट चुका है। चलिए हम लोग मिलते हैं 20वें टेस्ट में।